अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं जी? स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 के डिस्कस कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 के हमने इससे लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर का लास्ट था, उस पर हमने 7 तक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो 8 करते हैं। यानी हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम 10.8, ये हम आज डिस्कस करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास है, इन अ शैलोअर प्लेट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग waves produced on water at one end of एट वन एंड नहीं आ रहा एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट वाटर कंप्लीट अप एंड डाउन कंप्लीट अप एंड डाउन फोर पॉइंट एट ऑसिलेशंस इन वन सेकेंड। ए पार्ट है, वेट विल बी 'What will be speed of water waves'। बी पार्ट है, 'What will be the period of water waves'। What will be period of water waves? जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, क्या शैलवर प्लेट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस ऑन वाटर, कि एक कम गहरी प्लेट में 6 सेंटीमीटर लंबी वेव्स पानी की सतह पे पैदा हो रही हैं, यानी पानी में पैदा हो रही हैं। एट अ पॉइंट के एक नुक्ता पर, या एक पॉइंट पर, या एक मकाम पर वाटर कंप्लीट अप एंड डाउन 4.8 ऑसिलेशंस इन वन सेकेंड, के एक मकाम पे पानी जो है वो 1 सेकेंड में 8.4 ऑसिलेशंस या अपने चक्कर जो है वो पूरे कर रहा है। व्हाट विल बी स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, के वाटर वेव्स की स्पीड क्या होगी। व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ वेव्स, वेव्स का पीरियड क्या होगा, यानी टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ से हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा जो है कलेक्ट करते हैं कि इसका डाटा, यानी इस स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन क्या है। तो ये हमारे पास आ जाएगा गिवन डाटा। गिवन में हमारे पास आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वेव्स, यानी वेव की जो लेंथ है वो हमें दे दी गई है। तो ये हमारे पास आ रहा है वेव लेंथ,
वेवलेंथ को हम लैम्डा के जरिए जाहिर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है ये ऐसा ही यूनिट नहीं है, मीटर ऐसा ही यूनिट होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 6/100, ये बन जाएगा 0.06 मीटर। और उसके बाद आ रहा है कि वाटर जो है वो एक पॉइंट पे 1 सेकेंड में 4.8 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। कोई भी बॉडी जो है वो 1 सेकेंड में जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है वो उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इट मींस ये 4.8 हमारे पास जो है, ये जो ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में दी गई हैं, तो ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास बनेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं और ये बनेगा 4.8 हर्ट्स। अब इसमें रिक्वायरमेंट में आ रहे हैं हमारे पास रिक्वायर में है, जो इसका ए पार्ट है वो है व्हाट विल बी स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, यानी हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है कि वेव्स की स्पीड कितनी होगी, यानी वी हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। ये इसका ए पार्ट है। और बी पार्ट में हमारे पास है व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ वेव्स, यानी इनका टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। तो ये टाइम पीरियड जो है ये हमारे पास बनेगा, इसको हम कैपिटल टी से जाहिर करते हैं और ये भी हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव इक्वेशन जो कि हमारे पास वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आएगा वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारे पास जो इसका a पार्ट है, इन स्पीड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, v इज इक्वल टू f, f हमारे पास है 4.8 और लैम्डा हमारे पास है 0.06। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 0.06। तो इसको ये हमारे पास आ जाएगा 0.2888 मीटर पर सेकेंड। और अगर इसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 28.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक भी छोड़ देंगे फिर भी ठीक है। ये हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर वेव्स आ रहा है। अभी हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो यहाँ पे एज ये हम ऑलरेडी इन टॉपिक के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो लिहाजा हमारे पास टी इज इक्वल टू 1/f, f हमारे पास है 4.8, तो ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/4.8। 4.1 को 4.8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4.8। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है t इज इक्वल टू 0.208, आगे 3 3 है तो इसको अभी राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.21 सेकेंड। तो ये हमारे पास इन वेव्स का टाइम पीरियड हुआ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम था जिसको हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है इसमें से डाटा जो है वो सेपरेट करके उसके बाद हमने इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें जो चीज़ हमसे रिक्वायर की गई थी उसको हमने फाइंड आउट किया। अभी हम नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास 10.9 है। टेन पॉइंट नाइन हमारे पास प्रॉब्लम है, अ रिपल टैंक
रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर वाइड एट इट्स वन एंड अ वाइब्रेटर प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस वेव्स हूज फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर. How much time is required to pass? The waves? From tank. स्टूडेंट्स ये हमारे पास 10.9 क्या रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर वाइड यानी एक रिपल टैंक जैसे ये हमारे पास रिपल टैंक का ये ट्रे है कि ये जो इसकी विड्थ यानी जितनी इसकी जो है वो एरिया है यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हुई है प्रोड्यूस होते होते यहाँ से इन्होंने इसमें से गुजरना है यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर है. इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं अ वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स हूज फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्स कि उनकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्स है और उनकी वेव लेंथ यानी एक वेव की जो लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू पास द वेव्स फ्रॉम अ टैंक यानी जो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं उनको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है. तो ये हमारे पास इसके लिए जो गिवन है वो हमारे पास है कि उसमें लेंथ यानी जो इसकी विड्थ दे दी गई है रिपल टैंक की गिवन डेटा इसमें ये जो रिपल टैंक की विड्थ दी हुई है ये बेसिकली वो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है जो वेव यहाँ से प्रोड्यूस होके वहां तक जाने के लिए जब वो कवर करेंगी तो ये हमारे पास वेव जिन्हें जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो डिस्टेंस दिया हुआ है यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस और इसको हम डिनोट करेंगे डी से. ये हमें दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर इसके बनाते हैं मीटर तो ये आ जाएगा 80/100 एक जीरो कट जाएगा 0.8 मीटर. उसके बाद आ रहा है कि उसमें एक वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हूज फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज इन फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है फ्रीक्वेंसी गिवन है और वो है 5 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ यानी उन वेव्स की जो लंबाई है वो भी हमें दे दी गई है वेव लेंथ इसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं ये हमें दिया हुआ है 40 मिलीमीटर मिलीमीटर के भी मीटर बना देते हैं तो ये बनेगा 40/1000 एक जीरो कट जाएगा तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 0.04 मीटर. जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है कि इसको कितना टाइम लगेगा इन वेव्स को जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ से लेकर इसके दूसरे किनारे तक ये दूसरे एंड तक पहुँचने के लिए तो ये हमने यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है. तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए अभी हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि इसका सॉल्यूशन
क्या होगा? सॉल्यूशन अभी देखिएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, टाइम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। डिस्टेंस और टाइम को देखें तो ये भी स्पीड के लिए यूज होते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ये भी उसके लिए यूज होते हैं। तो यहां पे आएगा वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। हमारे पास f भी है, लैम्डा भी है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। एज v इज इक्वल टू, जैसे हम नाइन्थ में वेलोसिटी वाले चैप्टर में स्पीड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये देखिएगा स्पीड v हमने अभी कैलकुलेट किया है ये वाला, और डिस्टेंस हमें गिवन है, तो ये टाइम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास v जो है ये 0.2 और डिस्टेंस हमारे पास है 0.8 ओवर t। अब हमने t को कैलकुलेट करना है, t यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको उधर लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन रहा है 0.2 t इज इक्वल टू 0.8। तो जब हम इसको 0.2 को उधर ले जाएंगे तो ये t बन जाएगा हमारे पास 0.8 ओवर 0.2। तो ये जो पॉइंट के बाद सेम डिजिट आ रहे हैं तो लिहाजा पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 8 ओवर 2, 2 वन आर 2, 2 फोर आर 8, t हमारे पास आ गया 4 सेकेंड। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास उस उन वेव्स को एक पॉइंट से यानी एक एंड पे प्रोड्यूस हो रही हैं तो दूसरे एंड पर पहुंचने के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा वो 4 सेकेंड होगा। ये स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट 10.10 और लास्ट इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। जी तो ये हमारे पास 10.10 10.10 है, NFM स्टेशन NFM स्टेशन प्रोड्यूस रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 90 मेगा हर्ट्स। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ वेव्स the wavelength of waves while 1 mega is equal to 10 raised to power 6 and speed of रेडियो वेव्स इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कि NFM स्टेशन प्रोड्यूस
रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ के एक रेडियो स्टेशन यानी एफएम स्टेशन है जिसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या जो वेव्स को या सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए जो वेव्स प्रोड्यूस की जा रही हैं वो 90 मेगाहर्ट्ज़ की हैं। वो कहता है कि उन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी जबकि मेगा जो है वो 10^6 के इक्वल होता है और रेडियो वेव्स की जो स्पीड होती है वो होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो गिवन है गिवन डाटा, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी एफ और वो है 90 मेगा हर्ट्स यानी ये है 90×10^6 हर्ट्स यानी मेगा इज इक्वल टू 10^6 होता है और उसके बाद स्पीड दी हुई है। अगर ये स्पीड ना भी गिवन हो तो ये अंडरस्टूड होती है, ये वैसे भी हमें माइंड में होनी चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडियो वेव ये सेम होती है और ये हमारे पास है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ये इसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ लैम्डा ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सॉल्यूशन में आ जाएगा वी नो दैट या हम वेव इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है, f हमारे पास गिवन है तो f यहाँ आएगा डिवाइड इन्हें हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f और v हमारे पास है 3×10^8 ओवर ये जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास है 90×10^6। तो ये हम 3 को 90 पे डिवाइड कर देते हैं, 3 को जब 90 पे डिवाइड करेंगे 3/90 ये हमारे पास बनेगा 0.0333333 ऊपर 8 है नीचे वाला 6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास बनेगा 0.0333×10^2 10^2 मीन 100 जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3.33 मीटर। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई और यही हमारी इस जो प्रॉब्लम है उसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने उन रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जिनकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगा हर्ट्ज होगी। जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे मैं जो हमारी फिजिक्स है 10th की उसके चैप्टर नंबर 10 यानी जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसके ये न्यूमेरिकल हमारे इख्तिताम पजीर हुए। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं तक, ओके अल्लाह हाफिज़।